आज किस तरीके से आप अपने VS कोड में सी एंड सी प्लस प्लस की कोडिंग कर सकते हो एंड एक सेटअप बना सकते हो अपने VS कोड में सी एंड सी प्लस प्लस के लिए, कौन सी आपको एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी है और किस तरीके से एक्सटेंशन को आपको यूज करना है, सारा कुछ बताऊंगा इस वीडियो में और वीडियो को पूरा देखना। एंड यहाँ पर मैंने आपके लिए एक PDF बनाया ताकि आप अच्छे समझ सको और यहाँ पर कंप्लीटली मैंने इस पर लिखा है, कोई भी आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। जो भी प्रॉब्लम्स आ सकती मैं उन्हें यहाँ पर पहले ही बता दूंगा कि ये प्रॉब्लम्स आपकी आ सकती है और इन्हें किस तरीके से आप काउंटर कर सकते हो। तो यहाँ पर पूरा मैंने एक्सप्लेन किया। यहाँ पर हम करेंगे क्या, MinJW कंपाइलर को इंस्टॉल करेंगे, विजुअल स्टूडियो कोड को भी इंस्टॉल करेंगे और यहाँ पर कंप्लीटली मैं आपको सेटअप बनाऊंगा, ठीक है। एंड आपको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, तो बस वीडियो को आपको पूरा देखना। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम MinJW कंपाइलर को इंस्टॉल करते हैं। आपको अपना ब्राउजर ओपन करना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है MinJW कंपाइलर। इंटर करोगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस होगा, इस लिंक पर आपको क्लिक करना है। यह लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से भी आप यहाँ पर आ सकते हो। जैसे ये वेबसाइट ओपन होगी तो आपको इस तरह का इंटरफेस होगा। यहाँ पर आपको दिखेगा कि एक वीक में कितने डाउनलोड हुए, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। इसके लिए आपको यहाँ पर आना है फाइल पर और फाइल पर आने के बाद आपको डाउनलोड लेटेस्ट वर्जन पे क्लिक कर देना है। यहाँ से आपको जो MinJW है वो यहाँ से डाउनलोड करना है। यहाँ से कुछ ही देर में आप जैसे इस पर क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर टाइम चलेगा और यहाँ पर आपकी फाइल इस तरीके से डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर ये डाउनलोड हो चुकी है, कुछ ही 1 KB की है। मैं इसका साइज दिखा देता हूँ आपको, मैं आपको इसका साइज दिखाऊं तो तकरीबन ये KB की है। डाउनलोड करने के बाद आपको इसे काट देना है, यहाँ से वापस आना और आप इसे इंस्टॉल करते हैं। इसके लिए आपको इसे ओपन कर लेना, मैं यहाँ से ओपन करता हूँ डाउनलोड में एंड इसे आपको इंस्टॉल और कंटिन्यू एंड आपको एंड आपको क्लिक करना है कंटिन्यू पे। एंड गाइस अगर आपको इस तरह का इंटरफेस शो नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कि आपका इंस्टॉलेशन हो चुका, लेकिन अगर आपको इस तरह का इंटरफेस आ रहा है तो आपको इस पर क्लिक करना पड़ेगा इस तरीके से और मार्क फॉर इंस्टॉलेशन के लिए हर एक चीज़ को आपको सेलेक्ट करना है, इसे आपको सेलेक्ट कर लेना है इस तरीके से। एंड इसके बाद आपको इंस्टॉलेशन पर आना और यहाँ पर आने के बाद अप्लाई चेंजेस पर आपको आना और यहाँ पर आपको इसे क्लिक कर देना और अप्लाई बाद आपको इस तरह का इंटरफेस होगा, आपको अप्लाई पे क्लिक कर देना। यहाँ पर आपको इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा, जब जो ये पैकेज है ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो गाइस यहाँ पर कुछ टाइम लगेगा वेट करना और यहाँ पर जो आपका PC है वो इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए, तकरीबन यहाँ 150 से 200 MB करीब ये लेगा। तो यहाँ पर वेट करना तकरीबन 10 से 15-20 मिनट ले सकते हैं। ये आपकी इंटरनेट की स्पीड और आपकी PC की स्पीड पर डिपेंड करता है, बाकी यहाँ पर 15 से 20 मिनट ये लेगा इंस्टॉलेशन। एंड यहाँ पर आपको क्लोज डायलॉग ऑटोमेटिकली जब ये हमारा इंस्टॉल हो जाएगा तो इसे आपको क्लोज पे क्लिक कर देना है, यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये क्लोज हो जाएगा। एंड ये इंस्टॉल हो चुका, तो यहाँ से इसे आपको काट देना और काटने के बाद आपको जस्ट अपने सी ड्राइव के अंदर आना और सी ड्राइव के अंदर आने के बाद आपको यहाँ पर MinJW नाम से फोल्डर क्रिएट हो गया होगा, आपको इस पर क्लिक करना है एंड यहाँ से बिन के अंदर आना आपको और ये इसका पाथ यहाँ से Ctrl+C करके कॉपी कर लेना है और इसके बाद आपको ओपन करना अपना इन्वायरमेंट यहाँ पर। इसके बाद इन्वायरमेंट वेरिएबल्स पे आपको क्लिक करना और यहाँ से आपको पाथ पे क्लिक करना और यहाँ पर आपको न्यू करके Ctrl+V करके आप पेस्ट कर देना है, ओके कर देना है। यहाँ पर आपको ओके कर देना है, यहाँ पर इसे भी यहाँ पर ओके कर देना। MinJW कंपाइलर को सक्सेसफुल इंस्टॉल करने के बाद विजुअल स्टूडियो कोड को डाउनलोड करते हैं। तो जस्ट आपको अपना ब्राउजर ओपन करना और यहाँ पर टाइप करना VS कोड, ठीक है। तो आपको इस लिंक को ओपन कर लेना, ये डाउनलोड पर क्लिक कर देना। ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से भी आप यहाँ पर आ सकते हो। तो इसे आपको यहाँ पर आप देख सकते हो, ये विंडो के लिए है और ये लिनक्स के लिए है, ये मैक के लिए है। तो हमारा विंडो है तो हम विंडो के लिए करेंगे। तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना, ऐसे ही क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो मैंने कर लिया, मैं जैसे पॉज कर देता हूँ, ठीक है। 90 MB का इसे इंस्टॉल करते हैं। इसकी पॉलिसी को एक्सेप्ट कर लेना और इसे आपको पढ़ लेना एंड इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना एंड आपका इस तरीके से होगा, ठीक है, इस तरीके से होगा। तो आपको इस पिक चेक कर देना, इसको भी चेक कर देना, इसको भी चेक कर देना, नेक्स्ट पे क्लिक करना, इंस्टॉल कर लेना इसे। हो जाने के बाद इसका आपको फिनिश पे क्लिक करना, जैसे आप फिनिश पे क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। जैसे आपको इसे एक फोल्डर क्रिएट कर लेना, ठीक है। इसका एक आइकन भी आ गया होगा, मैं पहले यहाँ से इसे काट देता हूँ यहाँ से, और इसका एक आइकन आ गया होगा डेस्कटॉप पे इस तरीके से।
अगर आपका बाई चांस डेस्कटॉप पर आइकन नहीं आया तो विजिट स्टूडियो टाइप करोगे यहाँ पर आप, तो यहाँ पर आपको आ जाएगा, इसे यहाँ से ओपन कर सकते हो। पर एक फोल्डर बना लेते हैं, सबसे पहले मैं बना लेता हूँ सी एंड सी प्लस प्लस प्रोग्राम। इसे ओपन करते हैं अपने विजिट स्टूडियो कोड में। तो यहाँ पर आपको फाइल में आना है, ठीक है, इस तरीके से आना है, ठीक है, फाइल में आना आपको। फाइल में आने के बाद जैसे आपको ओपन करना है अपन फोल्डर, तो डेस्कटॉप पर आना आपको, क्योंकि हमारा डेस्कटॉप पे था, तो जस्ट यहाँ पर मैं ओपन कर लेता हूँ और सी एंड सी प्रोग्राम से सेलेक्ट करके ओपन कर लेना। यहाँ पर किस तरीके से आप फाइल को क्रिएट करोगे, यहाँ से भी कर सकते हो और यहाँ से ही फाइल को आप क्रिएट कर सकते हो, न्यू टेक्स्ट फाइल एंड। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप यहाँ से करो, अगर आपने फोल्डर बना लिया तो ऐसा क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर आप कर सकते हो। तो जस्ट मैं कर देता हूँ, पहले हम सी का प्रोग्राम को रन करेंगे। मैं कर देता हूँ टेस्ट डॉट सी, ठीक है, आपको डॉट सी एक्शन के साथ सेव करना सी के प्रोग्राम को, इंटर कर दूंगा। यहाँ पर हम सी का मैं फर्स्ट प्रोग्राम लिख लेता हूँ, तो यहाँ पर हम इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच हेडर फाइल को, और मैन फंक्शन यहाँ पर हम प्रिंट कर देंगे एफ हेलो वर्ड को। वर्ल्ड एंड रिटर्न कर देंगे जीरो। तो एंड गाइस, किस तरीके से आप इसे रन करोगे, तो इसके लिए करना है कि आपको जस्ट यहाँ पर आना एक्सटेंशन वाले ऑप्शन पर, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एक्स करके भी आ सकते हो। यहाँ पर आपको टाइप करना है कोड रनर, तो यहाँ पर आपको ये इसका इस तरह का आइकन होगा और ये एक्सटेंशन है, तो ये काम क्या करती है, आपको कोड रन करती है। तो जस्ट कहाँ से ओपन हो गया, इसे आपको इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है। इंस्टॉल हो चुकी, जैसे इंस्टॉल होगी तो यहाँ पर आपको इस तरह का आइकन आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से इसे आप क्लिक कर दोगे तो आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा। अगर आपको रिटर्न में एरर आती है लाइक इस तरीके से, तो इस एरर को फिक्स किस तरीके से कर सकते हो कि यहाँ पर अगर आप रन कर रहे हो तो रिटर्न में प्रॉब्लम आ रही है, अनएक्सपेक्टेड एरर, तो इसे किस तरीके से कर सकते हो, तो इसके लिए करना कुछ नहीं है आपको, यहाँ पर रिटर्न की जगह बंद कर देना है और ये फर्स्ट टाइम करना है, ठीक है, और इसे एक बार रन करना है। और चाहे आपको सी का करो या सी प्लस प्लस में करो, दोनों में यही होता है, ठीक है, करना, और इसके बाद फिर आपको इसे जीरो करके आप जीरो यूज़ कर सकते हो, ठीक है, फर्स्ट टाइम करना है उसे, तो आपकी वो एरर सॉल्व हो जाएगी। तो एंड गाइज, मैं आपको पीडीएफ में ले चलता हूँ। यहाँ पर आप देखो सी की जो फाइल होती है, सी या सी प्लस प्लस की, तो उसकी दो लेवल होते हैं, ठीक है, पहले फाइल कंपाइल होती है, वो तो हर एक चीज़ में होती है, ठीक है, पाइथन में फाइल कंपाइल होती है, और उसके बाद क्या होती है, फाइल रन होती है। लेकिन जब फाइल कंपाइल होगी ना, तो यहाँ पर एक फाइल जनरेट होगी डॉट ई एक्स सी के नाम से, उसका डॉट ई एक्स सी एक्सटेंशन होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो टेस्ट डॉट ई एक्स सी नाम की फाइल जनरेट होगी, इसके अंदर हमारा आउटपुट है, ठीक है, तो इसके अंदर हमारा इस फाइल का आउटपुट है, तो ये फाइल जनरेट होगी हमेशा। इसे आप एक और तरीके से भी रन कर सकते हो, इस तरीके से रन कर सकते हो आप टेस्ट डॉट ई एक्स इंटर करोगे तो इसका आउटपुट आ जाएगा, इस तरीके से आप रन कर सकते हो इसे, ठीक है, ये आपकी आउटपुट फाइल है, इसका आउटपुट इसके अंदर आ चुका है। देन गाइस, जो हमारा विजुअल स्टूडियो कोड होता है, यहाँ पर आप फाइल को दो तरीके से रन कर सकते हो। पहला तो ये हुआ कि हमने यहाँ पर क्लिक किया और हमारी फाइल रन हो गई, ठीक है, यहाँ पर हमारा आउटपुट आ गया। एंड सेकंड थिंग्स, आप यहाँ पर टर्मिनल के थ्रू भी रन कर सकते हो, यहाँ पर आप देख सकते हो टर्मिनल के थ्रू आप रन कर सकते हो। तो किस तरीके से टर्मिनल के थ्रू रन करोगे, तो इसके लिए यहाँ पर आपको GCC और उस प्रोग्राम का नाम, जो भी आपका प्रोग्राम है, तो यहाँ पर आपका वो कंपाइल हो जाएगी। पहले यहाँ पर करते हैं, जस्ट यहाँ पर आपको आना, ठीक है, यहाँ से भी कर सकते हो, मैं इसे रीड कर देता हूँ आपको, मैं शुरू से बताता हूँ। यहाँ पर आपको आना, रन के बाद थ्री डॉट दिख रहे होंगे, यहाँ पर टर्मिनल आना, न्यू टर्मिनल आपको ओपन कर लेना। यहाँ पर आपको टाइप करना है GCC। GCC क्या, हमारा कंपाइलर को रिप्रेजेंट करता है, MinJW कंपाइलर को। एंड यहाँ पर आपको फाइल का नाम, तो मेरा फाइल है टेस्ट डॉट सी, इंटर करूंगा तो यहाँ पर आप देखो एक फाइल जनरेट होगी। जब भी यहाँ पर फाइल कंपाइल होगी तो आप देखोगे एक फाइल जनरेट होगी बाय डिफॉल्ट a.exe नाम से। इसमें क्या होगा, आपका आउटपुट होगा, इसका जो आउटपुट होगा हमारा हेलो वर्ड, वो इस a.exe की फाइल में है। जब हम यहाँ से रन करते हैं तो प्रोग्राम के नाम से a.exe की फाइल जनरेट होती है, और जब हम यहाँ से रन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट जनरेट होती है, ठीक है, a.exe नाम से। तो इसे आप इस तरीके से रन करोगे, यहाँ पर a.exe इंटर कर दोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो हेलो वर्ड का आउटपुट आ चुका है। तो इस तरीके से आप इसे टर्मिनल के थ्रू भी रन कर सकते हो। एंड अब बात करते हैं हम अपनी C++ की। तो मैं C++ का प्रोग्राम लिख लेता हूँ। मैं कर देता हूँ टेस्ट डॉट
cpp, ठीक है। आपको C++ में जो अपनी फाइल को सेव करना है वो करना है .cpp एक्सटेंशन के साथ, ठीक है। सी को करना है .c से और C++ को करना .cpp एक्सटेंशन के साथ। तो जैसे यहाँ पर मैं प्रोग्राम लिख लेता हूँ और यहाँ पर हम जो मैसेज प्रिंट करेंगे, हेलो वर्ल्ड, रिटर्न कर देंगे 0, ठीक है। और इसके बाद इसे रन करते हैं, कंट्रोल एस करके मैं इसे सेव कर देता हूँ। पहले सेव कर देना आपको फाइल को, ठीक है। आपको इसे भी सेव करना है पहले, ठीक है, ऐसा नहीं करना, इसे रन कर देना, सेव कर देते हैं। इसके बाद आपको यहाँ से इसे रन कर देना है, तो ये हेलो वर्ल्ड रन हो चुकी है। तब देखो गाइस यहाँ पर हुआ क्या, ठीक है, यहाँ पर हुआ क्या कि जो मैं इसका चेंज करता हूँ, क्योंकि हमारा इस फाइल का नाम भी test.cpp है, test.cpp और इसका नाम भी हमारा टेस्ट, तो जो फाइल जनरेट होगी वो test.exe नाम से ही होगी पहली वाली की भी। तो मैं थोड़ा इसका आउटपुट चेंज करता हूँ कि इसमें आउटपुट कौन सा आएगा। हेलो एवरीवन कर देता हूँ, ठीक है। मैं इसे सेव करता हूँ, रन करेंगे तो हेलो एवरीवन होगा क्या कि जो ये आपका आउटपुट है ना वो अगर सेम फाइल होगी तो रिप्लेस हो जाएगा इस वाली, जो भी आप रन करोगे उससे रिप्लेस हो जाएगा। जैसे test.exe मेरी पहले भी test.cxe है, test.c की फाइल का जो आउटपुट जनरेट हुई थी, आउटपुट फाइल वो हुई थी text.exe नाम से, तो इसमें रिप्लेस हो गया इस वाली का आउटपुट हेलो एवरीवन का। तो इस तरीके से रिप्लेस हो जाएगा। इसे भी आप टर्मिनल के थ्रू कर सकते हो, मैं यहीं पर कर देता हूँ। तो आपको करना है G++, यहाँ पर आपको G++ यूज़ करना है, ये टर्मिनल का हमारा कंपाइलर को रिप्रेजेंट करता है। एंड यहाँ पर फाइल का नाम, तो test.cpp एंटर कर दोगे, फाइल कंपाइल होगी। अब इसका आउटपुट कहाँ गया, ठीक है, इसका आउटपुट जाएगा a.exe वाली फाइल के अंदर। इसमें भी फाइल जो आउटपुट है वो रिप्लेस हो चुका है, इसमें भी आउटपुट जो है वो रिप्लेस हो चुका है। अब जो a.exe की फाइल के अंदर आउटपुट जा चुका वो जा चुका test.cpp वाली फाइल का। तो यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ .exe एंटर करेंगे हेलो एवरीवन, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, यहाँ पर आप रन कर सकते हो। एंड गाइज इसमें एक प्रॉब्लम्स होती है, प्रॉब्लम्स क्या होती है असल में वो जैसे यहाँ पर अगर आप टाइप करोगे ना वो नहीं काम करेगा। मैं एक प्रोग्राम लिख लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है, मैं यहाँ पर एक प्रोग्राम लिख लेता हूँ। हम यहाँ पर यूज़र से इनपुट लेंगे, तो मैं इसे, ठीक है, इसे कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, कंट्रोल सी करके इसको यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, तो यहाँ पर इस तरीके से। और मैं यहाँ पर करता हूँ एक वेरिएबल लेते हैं और इसके अंदर सी आउट कर देते हैं, इंटर योर नंबर एंड सी एक्स, ठीक है। और यहाँ पर सी आउट इसे प्रिंट कर देंगे, योर नंबर इज एक्स, ठीक है। अब इसमें होगा क्या, ठीक है, आप ये चीज देखना, मैं रिटर्न कर देता हूँ। इसमें होगा क्या, मैं इसे सेव करता हूँ सबसे पहले, मैं यहाँ पर रन करता हूँ इसे, तो आप देखना मैं यहाँ कुछ टाइप नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, मैं क्योंकि मैं नंबर दे ही नहीं पाऊंगा जब तक मुझे इसमें एक सेटिंग इनेबल नहीं करनी पड़ेगी। तो वो किस तरीके से आप करोगे, ठीक है, कोड को मैं बंद कर देता हूँ। जैसे आपको आना है फाइल पे, प्रेफरेंसेस के अंदर आना है, प्रेफरेंसेस के अंदर आने के बाद आपको सेटिंग्स के अंदर आना है, यहाँ पर सर्च करना है कोड रनर, एंटर कर देना, जस्ट यहाँ पर आपको नीचे आते रहना है। यहाँ पर आप देखो रन इन टर्मिनल, ठीक है, इसे आपको सिलेक्ट कर लेना, ये है सेव ऑल फाइल्स बिफोर रन, इसको भी आपको कर लेना, आपकी सारी फाइल सेव हो जाएंगी। और ये तीनों इसे कर लेना, सेव फाइल बिफोर रन, आपको सेव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और जस्ट आप जैसे ही क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली फाइलें सेव होंगी और रन होंगी। तो इसे कर देना, आपको करने के बाद जस्ट आपको, अब अगर आप करोगे, मैं फाइल को सेव करता हूँ ऑटोमेटिकली, वैसे ही सेव तो होंगी लेकिन यहाँ पर मैं सेव करता हूँ, तो आप देखो मैं आप टाइप कर पाऊँगा, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो 43। इस तरीके से आप टाइप नहीं कर पाओगे जब तक आप वो सेटिंग्स को इनेबल नहीं करो। तो इन गाइज मैं यहाँ पर आपको एक्सटेंशन इंस्टॉल कराता हूँ, कौन सी आपको एक्सटेंशन इंस्टॉल कर दें, ठीक है, दोनों में होता है ये, सी का करो तो भी होगा ये, तो इस तरीके से आपको कर लेना है। तो आपको कौन सी एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी है, जस्ट यहाँ पर आपको आना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है सी एंड, ठीक है, ये वाली एक्सटेंशन है, इसे आपको इंस्टॉल करना है।
ये पूरा एक पैक ही होता है, ठीक है, इंटेलिजेंस डिबगिंग एंड कोड ब्राउजिंग। तो इसे आपको इंस्टॉल कर लेना। इसमें क्या होता है कि आपको कोड सजेस्ट होता है, आप थोड़ा सा कोड लिखोगे पूरा कोड आपको मिल जाएगा और बहुत ही फास्ट आप कोड कर सकोगे। मैं इसे इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो ये कुछ MB की, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा वेट कर लेना, ठीक है। हो चुकी है यहाँ पर, ये हो चुकी है। तो होगा क्या कि यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें आपको मिल जाएंगी, जैसे यहाँ पर ये हमारा पहले हमारा सिर्फ एक ऑप्शन था, यहाँ पर हमारे दो ऑप्शन आ चुके हैं, डिबग सी फाइल और रन कोड रन सी प्लस प्लस। तो यहाँ पर आपको इस तरह की चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे यहाँ पर है। तो यहाँ पर आप, जैसे मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ, ठीक है, और एग्जाम्पल डॉट सी पी पी इंटर करूँगा। और मैं यहाँ पर मैन कोड चाहिए मुझे इंटर कर दूँगा, तो मुझे इतना कोड स्निपेट से मिल जाएगा। तो बेसिकली आप बहुत ही फास्ट काम कर सकते हो इसमें, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा कोड आपको रिटर्न करता है, और थोड़ा सा कोड आप लिखोगे तो आपको कोड मिलता रहेगा। तो इस तरीके से आप इसमें कर सकते हो। जैसे कि अगर मुझे यहाँ पर एक फोर लूप का लेकर आना स्टेटमेंट, तो फोर करोगे तो आपको पूरा स्टेटमेंट फोर लूप का मिल जाएगा। आप देख सकते हो फोर साइज, मतलब आपको कोड पूरा सजेस्ट होता है, ठीक है। आप थोड़ा सा टाइप करोगे उस बारे में, आपको पूरा कोड सेट होगा। वाइल करोगे तो वाइल लूप का स्टेटमेंट मिल जाएगा आपको, स्विच करोगे स्विच का मिल जाएगा। बहुत ही फास्टली आप कोडिंग कर सकते हो और काफ़ी बेस्ट आपको लगता है। आप देख सकते हो स्विच का पूरा आपको स्टेटमेंट मिल जाता है लिखा हुआ, यहाँ पर आप अपने कोडिंग कर सकते हो। तो इसमें आप बहुत ही फास्ट कोडिंग कर सकते हो इसके थ्रू, ठीक है। एंड यहाँ पर तो क्योंकि इसमें कुछ है नहीं, मैंने एक अच्छे फॉर्मेट में नहीं लिखा, तो एरर देगा ये। जस्ट इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, डोंट सेव करते हैं। और तो इसमें अगर आपको रन करना है ना, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है यहाँ पर आपको, ठीक है। इसमें डिबग सी फाइल को चूज़ करोगे तो आपको, जैसे मैं यहाँ पर कर देता हूँ, ठीक है, फाइल डिबग होगी। और आप देखो आप सिलेक्ट कौन सा हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर आप देखो रन एंड डिबग हो चुकी, तो विंडो सिलेक्ट कर लेना, ओपन लॉन्च ये सब। तो यहाँ पर फाइल सिर्फ डिबग होती रहेगी, ठीक है। मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ये किंदरा रहा। तो आपको हमेशा क्या करना है, इसे चेक करना अंदर जाकर कि हमारा रन कोड वाले ऑप्शन सिलेक्ट है या हमारा डिबग वाला ऑप्शन सिलेक्ट है। वरना अगर डिबग वाला होगा तो आपकी फाइल डिबग होती रहेगी, और वरना आपको चेक कर लेना है, ठीक है, एक बार यहाँ जाकर कि हमारा कौन सा वाला ऑप्शन सिलेक्ट। तो यहाँ पर आपको एक बार ही सिलेक्ट कर लेना कि आपका रन कोड होना चाहिए, ठीक है, इस तरीके से आपका होना चाहिए। तो आप इस तरीके से रन करते रहोगे, वरना आपको अगर सिलेक्ट ये वाला हुआ और आप यहाँ पर आकर रन करते रहे तो आपको एरर मिलेगी, ठीक है, प्रॉब्लम्स होगी आपको, आप कोड को रन नहीं कर सकते। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। और गाइस अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स आ रही है इसमें, ठीक है, यूज़ करने में, तो मुझे आप कमेंट कर सकते हो और मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। कोई भी आपको एरर आ रही है तो मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और इस वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स वॉचिंग गाइस।